कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर। समझना आप, ये एक नया मतलब नया कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा, अपने मन से बना रहा है यार, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा, बदल रहा है, ठीक है। कि अगर ये कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट है, इनके बीच जो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता था न्यूटन के लॉ से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर के स्क्वायर हुआ करता था। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्स था, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। पर यह कहता है कि चलो मैं अभी एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे F इज प्रोपोर्शनल टू R का, F इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर वन, ये क्वेश्चन है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, कुड हैव ऑर्बिटल स्पीड भी प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल स्पीड। अगर ये ऑर्बिटल स्पीड भी से चक्कर लगा रहा था, तो पहले ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला रट के आए हो, जो हम लोग याद करके आए थे प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड वो था जी एम ओवर आर अंडर रूट। क्या अभी भी ऑर्बिटल स्पीड रेडियस के आर रूट प्रोपोर्शनल होगा? क्या ये फार्मूला लगेगा? नहीं, ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? बिकॉज इसलिए नहीं लगेगा कि ये तब डिराइव हुआ था, तब सिस्टम बना था, जब ये फोर्स वन अपान आर का स्क्वायर का फॉलो कर रहा था, तब जाके फार्मूला बना था। अब इसने फंडामेंटल बे फोर्स ही बदल दिया, तो सारे डेरिवेशन सारे फार्मूले बदल गए होंगे, ठीक है। तो अब मुझे नया ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और जैसे इसको निकाले थे वैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। चलो तो अब जो फोर्स है, वो एक्चुअल में इसके प्रोपोर्शनल है, उसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड में मान लिया इधर है वह वी डैश, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड वी डैश, इसका मतलब ये हुआ इनमें अट्रैक्शन जो फोर्स है, अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वही प्रोवाइड करेगा सेंटीमीटर फोर्स। लेकिन अब जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू होगी जी एम एम ओवर आर, आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटीमीटर फोर्स होगा एम वी डैश का स्क्वायर ओवर R, that is provided by gravitational force g m m over R, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि R ने M को, समझ रहे ना, ये centripetal force की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है भाई। रेडियस R है तो centripetal ये तो नहीं चेंज होगा ना यार। इसका मतलब ये हुआ कि V dash की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी g m और divided by कुछ नहीं वन, ठीक है। तो g m, इसका मतलब ये हुआ, वन लिखेंगे नहीं, चलो इसका मतलब ये हुआ कि वी ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस पे आर नॉट है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर नॉट ले लो, कैपिटल आर ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि इनडिपेंडेंट होता है आर नॉट पे, कैपिटल एम पे, कैपिटल आर पे इनडिपेंडेंट है। दैट इज बी ऑप्शन सही है, ठीक है।